संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। यूएनएससी में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने, धमकाने या आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। भारत इस समय यूएनएससी का अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अध्यक्षता में सोमवार को अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूएन के नियम के तहत घोषित आतंकवादियों के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तालिबान अफगानियों को बाहर जाने देगा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान करेगा। भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को, विशेषकर सिखों, हिंदू अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान की है। ये उन अफगान नागरिकों को निकालने के लिए हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पेश किया। यूएनएससी की 13 सदस्य देशों की तरफ से प्रस्ताव के पक्ष में मत दिए जाने के बाद इसे पारित कर दिया गया, जबकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि G7 के सदस्य देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन पर अपने अपने रुख पर कायम हैं, और सभी का ये कहना है कि अफगानिस्तान में भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार की वैधता सशस्त्र समूह की अपनी धरती को आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने के उसके रुख पर निर्भर करेगी। बाइडेन ने G7 देशों, संयुक्त राष्ट्र, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीय संघ की ऑनलाइन आयोजित एक बैठक के कई घंटे बाद ये बयान दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि G7 देश इस बात पर भी सहमत हुए कि कोई भी तालिबान की बातों को तवज्जो नहीं देगा। बाइडेन ने कहा कि इसी के साथ हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपनी मानवीय प्रतिबद्धता में बदलाव किए हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस की ओर से अफगानिस्तान में बिना किसी मानवीय पहुँच के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में तालिबान के द्वारा 27 अगस्त को जारी एक बयान को सुरक्षा परिषद में नोट किया गया और सुरक्षा परिषद को उम्मीद है कि तालिबान अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा, जिसमें अफगानों और सभी विदेशी नागरिकों के अफगानिस्तान से सुरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान के संबंध में शामिल हैं। विशेष रूप से अफगान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को बनाए रखने और साथ ही साथ समावेशी बातचीत और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए एक मान्यता है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।